सोलन के माल रोड पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा हड़ताल जारी रही। इसमें बैंकों के कर्मचारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यह हड़ताल बैंक को निजीकरण से बचाने के लिए की जा रही है। हड़ताल के कारण बैंकों को कारोबार भी पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। सोलन शहरवासियों को भी इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंकों का निजीकरण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आमजन का जीना दूभर हो गया है। पूंजीपति मनमानी पर उतर आए हैं तो आमजन का धन सुरक्षित नहीं रहेगा। यूनाइटेड फोरम सोलन के सचिव नंदलाल परिहार ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को प्रोत्साहित कर रही है, यही कारण है कि बैंकों को निजीकरण के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो आमजन का पैसा भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण होने से हजारों कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने दो बैंकों का निजीकरण का जो निर्णय लिया है, वे उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर केंद्र सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। और ये जो हमारा स्ट्रगल है, ये बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में है। प्राइवेटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो बैंक कर्मचारियों के और अधिकारियों के अलावा पब्लिक का भी जो पैसा है वो सेफ नहीं है, क्योंकि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन होने के बाद अगर बैंक फेल होते हैं तो फेल होने की स्थिति में 5 लाख तक की गारंटी जो कवर जो अकाउंट में है, लेकिन उसके ज़्यादा जो पैसे होंगे उसका कोई पता नहीं है, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। कॉरपोरेट से पैसा निकालना जो है बहुत मुश्किल है, और जो अभी जो है बैंकों का इसमें चला हुआ है। राष्ट्रीयकृत जितने भी बैंक हैं, जो पहले 28 थे, 28 से कम होते होते अब इनकी संख्या जो है 16 रह गई है। 16 के बाद भी बजट में जो है सरकार ने दो बैंकों को प्राइवेटाइज करने का जो निर्णय लिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज जो दो बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे, कल को 4 को करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस जो चालू रहेगा, सरकार की जो ये नीति है प्राइवेटाइज बैंकों को प्राइवेटाइज करने की, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इसको हमारे जो राष्ट्रीय फोरम है UFU का, उसके आह्वान के अंतर्गत जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। और अगर नहीं सरकार हमारी बात मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी निर्णय लिया जा सकता है।